हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोका बिल्डकॉन के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई ये कंपनी है और काफी दमदार शेयर है ये। और 3 दिन पहले जब इसके नतीजे आए थे तब मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि शेयर में क्या करना चाहिए, खरीदारी की हो तो क्या करे और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो क्या करे। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 62.85 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज भी 6.5% के शेयर अप रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 16 से 17% का ग्रोथ है। हालांकि ये ग्रोथ 2 दिन में ही आया है। यहाँ पर था 53 रुपीज के ऊपर था ये शेयर, तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और तब इसके नतीजे आए थे और मैंने कहा था कि खरीदारी करने का बढ़िया मौका है ये, क्योंकि नतीजे बहुत 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 शानदार आए थे। और उसी के लिए मैंने आपको बाइंग की एडवाइस दी थी। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो अगर आप चेक कर सकते हो मेरा वो वीडियो, मैंने 53 रुपीज के लेवल पर बाइंग की एडवाइस दी थी जब नतीजे आए थे। और आज जब शेयर इतना ज्यादा दौड़ चुका है तो खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, ये एक वाकई में सबसे बड़ा सवाल है। और जिन्होंने खरीदारी की है वो यहाँ पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और तो और बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी इसमें क्या रेटिंग है, उनका क्या कहना है, उनके क्या टारगेट है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम रिटर्न अगर देखें तो 55% की गिरावट है। 150 रुपए के लेवल से शायद गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, लेकिन बाद में कोविड के चलते गिरावट आई कि शेयर 37 रुपीज तक टूट गया, 37 रुपीज तक। फिर तेजी भी आई थी, ऐसा नहीं कि तेजी नहीं है, 68 रुपीज तक शेयर पहुंचा था। बाद में कंटिन्यूअस शेयर टूटता गया, 50 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया था। और बाद में धीरे 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 ही सही, लेकिन एक बड़ी तेजी इसमें जरूर आई है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में अशोका बिल्डकॉन में 51% की गिरावट है, 190 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है। हालांकि इससे पहले तेजी और गिरावट बनी रही, लेकिन कोविड के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई जिससे ये शेयर अभी भी उबर नहीं पाया है। हालांकि धीरे धीरे अब एक बड़ी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 1750 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएसई में देखिए तो तकरीबन 50 लाख के आसपास का यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। अभी भी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, अभी वक्त हुआ है 3:15 हुई है और अभी भी शायद 15 मिनट का अभी मार्केट ओपन है। यहाँ पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो शेयर होल्डिंग में सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रमोटर और एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। 54.33% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 5.47% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 30.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.83% की होल्डिंग देखने को मिली है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 8.58% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर भी हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो शोभा पारेख है जिनके पास 13.55% की होल्डिंग है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 65 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 51 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है जिनके पास 9.24% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.75% की है यहाँ पर। 16% का डिविडेंड भी पे करा है, लेकिन 2018 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, 2019 में इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, तो 2020 में भी कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हम अगर देखें अशोका बिल्डकॉन के बारे में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इसकी। पी अभी भी बहुत सस्ता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, अभी भी ये पी सस्ता है, 4.55 है, जबकि इंडस्ट्री पी 13.74 है। बुक वैल्यू 92.58 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.68 देखने को मिल रहा है। ईपीएस 13.79 के आसपास है और देखिए डिलीवरीज तकरीबन 30-31 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी तेजी की वजह ये थी कि जो नतीजे आए थे वो बहुत 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 शानदार थे। 145 करोड़ का मुनाफा इन्होंने मार्च क्वार्टर में किया है, मार्च क्वार्टर में 145 करोड़ का मुनाफा किया है आप देख सकते हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 21 करोड़ का ही मुनाफा था। उससे पहले सितंबर में 8.5 करोड़ का ही मुनाफा था, इससे पहले तो 26 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 6.5 करोड़ का लॉस था। तो
इस बार के जो नतीजे आए हैं वो काफी बढ़िया नतीजे हैं, और यही वजह है कि पिछले 2 दिन में शेयर ने बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने वीडियो बनाया भी है और उस वक्त मैंने कहा भी था कि यहाँ से शेयर और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। उनके पास पहले 54.26% की होल्डिंग थी, आज 54.33% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। FIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 4.03% की होल्डिंग आज 5.47% की होल्डिंग बन चुकी है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग यहाँ पर कट डाउन की है, 31.59% की होल्डिंग 31.76% की देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी पहले यहाँ पर 0% ही थी, मतलब बिल्कुल थी ही नहीं, अब 0.83% की होल्डिंग भी इनकी देखने को मिल रही है। और अगर ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो एक ब्रोकरेज हाउस है जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, HDFC सिक्योरिटीज। उन्होंने अशोका बिल्डकॉन में बाइंग की एडवाइस दी है और 141 रुपीज का टारगेट दिया है। बाइंग की एडवाइस है और 141 रुपीज का टारगेट है, जो अपने प्रेजेंट प्राइस से काफी 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 ज्यादा ऊपर है, काफी ज्यादा ऊपर हम कह सकते हैं। दूसरे अगर हम बात करें तो वो है प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज हाउसेस, उसने भी बाइंग रेटिंग दी है अशोक का बिल्डकॉन में और 147 रुपीज का टारगेट प्राइस है। तो ये टारगेट प्राइस भी काफी ऊपर है, मतलब 2 गुना पैसे से भी डबल हम कह सकते हैं, तो काफी ऊपर यहाँ पर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शेयर में दमखम जरूर है, खरीदा है तो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर 75 से 80 रुपए के आसपास जाने का दमखम जरूर रखता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोका बिल्डकॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।